स्टूडेंट, अपने YouTube चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो स्टूडेंट, आइए बात करते हैं हम संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति में देखिए, हमें जिन जिन संख्याओं का अध्ययन करना है उन सभी संख्याओं को मैं बारी बारी से यहाँ पे ले रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा, परिभाषा समझाऊंगा, लिखाऊंगा। आप बताएंगे कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, आप कमेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए सबसे पहले इसमें हम लेते हैं प्राकृतिक संख्या। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो गिनती करने में प्रयुक्त की जाती हैं। तो यहां पर आप एक बात का ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब भी हम लोग किसी भी वस्तु की अगर गिनती काउंटिंग करते हैं तो वो हमेशा एक से करते हैं। यानी हमें किसी भी वस्तु की अगर काउंटिंग करनी होती है तो हमेशा हम एक से ही उसको गिनना प्रारंभ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हमें गिनना होता है। तो इसलिए यहां देखिए परिभाषा बताई जा रही है कि वे संख्याएं जो गिनती करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, और प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम यन से व्यक्त करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देखिए इत्यादि, ये सभी क्या हैं? ये सब के सब क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन हमने बताया कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम यन से निरूपित करते हैं। तो अगर इसे निरूपित करने के लिए अगर बात आती है तो हम बोलेंगे कैपिटल यन बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6... देखिए ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण। एक चीज का आप यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्त कि देखिए, यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याएं हमें यहाँ पे मिल रही है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ... इन प्राकृतिक संख्याओं को हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। धन पूर्णांक बोले तो पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी वे संख्याएं जो गिनती करने में प्रयुक्त होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से स्टार्ट होती है, क्योंकि हम किसी भी नंबर की, किसी भी वस्तु की गिनती करते समय हमेशा हम एक से ही प्रारंभ करते हैं उसको गिनना। इसलिए हो गई प्राकृतिक संख्याएं एक से, यानी और हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग यन से निरूपित करते हैं। और यहां पर जो हमको प्राकृतिक संख्याएं मिल रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ... हम इन संख्याओं को धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। तो यहां हम लोगों ने देखा प्राकृतिक संख्या। अब आइए थोड़ा हम लोग जान लेते हैं शून्य के बारे में, ठीक है। आइए देखिए, हम बात करते हैं शून्य की, इसे हम बोलते हैं जीरो। तो देखिए, अगर हम बात करें शून्य की, देखिए जो प्राकृतिक संख्याएं हैं यह हमारी गणित की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम बात करें देखिए यहां पर शून्य की, तो शून्य की जो है हमको जरूरत कैसे पड़ी, आइए थोड़ा सा यहां हम लोग इसको देखते हैं अपने एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे देखिए, अगर मैं बात कर दूं, मैं अगर लिख दूं आपके सामने एक समीकरण x+5 = 5, अगर मैं तो जरा आप सोचिए, अभी जो पीछे आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे देखिए आपने पढ़ा, ये सब के सब क्या प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जरा सोचिए आप कि क्या इन प्राकृतिक संख्याओं में से कोई एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसे अगर हम इस समीकरण में रख दें तो यह इस समीकरण को संतुष्ट कर जाएगी? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि देखिए इन प्राकृतिक संख्याओं में से कोई भी प्राकृतिक संख्या ऐसी नहीं है दोस्त जिसे हम अगर यहां पर रखेंगे तो यह इस समीकरण को संतुष्ट कर जाए। तो देखिए, यहां पर इनमें से कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो इस समीकरण में रखने पर इसे संतुष्ट करे। यहां पर एक संख्या है, क्या देखिए, वो संख्या है शून्य। इसी संख्या को शून्य कहते हैं। अगर हम यहां पर x का मान शून्य रखेंगे, 0 + 5 तो देखिए क्या मिल जाएगा, 5। देख लीजिए, यानी हमें ऐसी संख्या की आवश्यकता पड़ी कि अगर कोई संख्या है उसमें अगर हम क्या करें, जीरो यानी कि अगर हम शून्य को प्लस करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि शून्य एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो हमें स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। ओके दोस्त, आइए हम बात कर लेते हैं शून्य की विशेषताओं के बारे में। देखिएगा, देखिए अगर हम बात करते हैं शून्य की विशेषता की, तो देखिए पहली पॉइंट हम बोलेंगे कि किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है।
फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर हम 10 ले लें, ठीक है, और इस संख्या में क्या करें, अगर हम शून्य को जोड़ें तो हमें यही संख्या प्राप्त होती है। अगर हम इसकी और विशेषता की बात करें तो हम कहेंगे कि अगर कोई संख्या हमें दी गई है, इस संख्या में से अगर हम शून्य को माइनस करते हैं यानी घटाते हैं, तब भी हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अगर हम इसकी अगली विशेषता की बात करें तो मान लीजिए अगर कोई संख्या है, उस संख्या में अगर हम शून्य का गुणा कर देते हैं तो इसका गुणनफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। और अगर हम अगली विशेषता की बात करें, अगर कोई संख्या है, इस संख्या में अगर हम शून्य से भाग करेंगे तो मान क्या मिलेगा हमें, अपरिभाषित मिलेगा। क्या मिलेगा? अपरिभाषित मिलेगा। देखिए इतनी रही इसके विशेषताएं, आप जानते रहिए, यानी कि अगर कोई संख्या है उस संख्या में अगर हम शून्य को प्लस करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है, अगर कोई संख्या है उसमें से अगर हम शून्य को घटाते हैं तब भी हमें वही संख्या प्राप्त होती है, और अगर कोई संख्या हमें दी गई है उसमें अगर हम शून्य से गुणा कर देते हैं तो इसका गुणनफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ पे अगर हमें कोई संख्या दी गई है उसमें अगर शून्य से भाग करेंगे हम तो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसका मान हमें अनंत मिलेगा, इसे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि हमें मिलेगा। ठीक है दोस्त, आइए हम आगे बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। देखिए अगर हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं की तो इसे हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं इसे हम इंग्लिश में? होल नंबर। तो किसे हम बोलेंगे? शून्य व प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए शून्य व प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्याएं कहते हैं, और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम W से निरूपित करते हैं। हम लिखेंगे पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से निरूपित करते हैं। स्टूडेंट यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोला है, शून्य व प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से, यानी कि हम इसे अपनी भाषा में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हमें प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को भी शामिल कर देते हैं तो जो हमें उसका एक सम्मिलित रूप मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। यानी अगर हम पूर्ण संख्याएं की बात करें तो पूर्ण संख्याएं देखिए हमें इस प्रकार मिलेंगी, पूर्ण संख्याएं हमें मिलेंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डॉट 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 ये हमें मिलेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम W से निरूपित करते हैं, तो आइए इसे हम निरूपित करें। हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां पे W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे आपको दो चीज बहुत ही ध्यान देना है। अगर देखिए क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो जवाब होगा आपका शून्य। क्या बोलेंगे आप, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, आप बोलेंगे शून्य है। और देखिए यहां पे एक बात और बनती है, अगर बात करते हैं हम, देखिएगा हम बोलेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, मैं लिख रहा हूं, प्रत्येक हम बोलेंगे इसकी दूसरी पॉइंट, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए
क्या कह रहा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहां देखिए आप देख सकते हैं, जो देखिए लिखा गया है पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लिखा गया ना। यहां पर आप देख लीजिए, ये देखिए जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, देखिए ये सब के सब संख्याएं जो हैं, ये क्या हो रहा है, ये पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में तो आ रही हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और इसका देखिए एक रिवर्स स्टेटमेंट है, यहां पे आप इसको कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यहां पे देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की, तो आप बताइए यहां पे जीरो क्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या है। तो बताइए क्या जीरो पूर्ण संख्या है, तो क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या भी है क्या, नहीं है। तो ये कहना क्या है, गलत है दोस्त। अगर हम ये बात कहें कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात सही है। लेकिन अगर हम कह देते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, ये बात क्या है, कहना गलत है, ठीक है। और यहां पे अगर क्वेश्चन बनता है कि आप बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, जीरो बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। और देखिए सबसे छोटी हो गई पूर्ण संख्या जीरो, और आप ये बात एकदम बिल्कुल याद रखिएगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है दोस्त। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं ऋण पूर्णांक के बारे में। देखिए अगर हम बात करते हैं ऋण पूर्णांक की, तो आप समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट कि हम ऋण पूर्णांक को किस तरीके से हम अपने दिमाग में इसे समझ सकते हैं। स्टूडेंट परिभाषा तो आपको कहीं भी लिखी लिखाई मिल जाएगी, आप उसे रट लीजिएगा, लेकिन थोड़ा आप इसका जो है कॉन्सेप्ट समझिएगा स्टूडेंट, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आइए इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिएगा, देखिए यहां पे बात यह आई, इसमें अगर हम दो धन पूर्णांक लेते हैं, देखिए हमने लिया एक धन पूर्णांक 5, हमने लिया एक धन पूर्णांक 7। तो अब देखिए बात यहां पे आती है कि अगर हम क्या करें, जो यहां पर बड़ा धन पूर्णांक है, अगर हम बड़े धन पूर्णांक में से छोटा धन पूर्णांक घटाते हैं, तो हमें एक धन पूर्णांक मिल जाएगा। लेकिन बात यहां फंसती है कि क्या करें हम, अगर हम छोटे धन पूर्णांक में से बड़ा धन पूर्णांक घटाएं, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा। तो स्टूडेंट आप समझिएगा कि अब गणित के आगे विस्तार के लिए हमें ऐसी संख्या की आवश्यकता हुई जो क्या कर सके, जो इसे परिभाषित कर सके, है कि नहीं। तो देखिए 5-7 बराबर क्या आएगा, तब वहां पे कहा गया कि यहां पर एक शब्द एक नाम आएगा ऋण पूर्णांक का, यहां पर एक संख्या आएगी ऋण पूर्णांक, यानी हम बात करें ऋण पूर्णांक की, तो देखिए यहां पे आएगा 5-7। इसके लिए कहा गया कि हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह भी कह सकते हैं। तो क्या आया देखिए, -2। अब देखिए -2 क्या है, यह ऋण पूर्णांक है। तो हम बोलेंगे कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 इत्यादि, इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये सब के सब क्या है, ऋण पूर्णांक हैं। अगर हम बात करें परिभाषा की, तो हम बोलेंगे कि जो धन पूर्णांक होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हम इसके परिभाषा की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे कि जो हमारे धन पूर्णांक हैं, अगर हम उनके साथ ऋण चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, तो जो धन पूर्णांक होते हैं वो क्या है, वो ऋण पूर्णांक बन जाते हैं। तो देखिए हम बोलेंगे धन पूर्णांकों के साथ, हम इसकी परिभाषा देखिए बात कर रहे हैं, धन पूर्णांकों के साथ ऋण चिन्ह का प्रयोग करने पर वे ऋण पूर्णांक बन जाते हैं, वे ऋण पूर्णांक बन जाते हैं। ऐसे देखिए आप कह सकते हैं, अगर 1, 2, 3, 4,
पांच छ सात आठ नौ ऐसे। देखिए ये सब के सब क्या हैं, ये सब हमारे धन, ये जो कि ये सब धन पूर्णांक लिखे गए, धनात्मक पूर्णांक हैं, ये सब क्या हैं, धन पूर्णांक हैं। तो अब अगर हमें क्या करना है, अगर इन्हें अब अगर इसे हमें ऋण पूर्णांक बनाना है तो क्या करेंगे हम, इनके साथ ऋण चिन्ह लगा देंगे, माइनस का जो है साइन लगा देंगे, यानी माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच माइनस छह माइनस सात ऐसे एक्स्ट्रा इत्यादि, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए सब के सब हमारे ऋण पूर्णांक, ठीक है। आइए हम देखते हैं आगे, अब हम लोग चर्चा करते हैं पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए अगर हम बात करते हैं पूर्णांक के बारे में, थोड़ा इस पर हम लोग कुछ पहले चर्चा कर लिया जाए। हम बोलेंगे देखिए हम जानते हैं कि धन पूर्णांकों में जो अंतर की संक्रिया है यह हमेशा परिभाषित नहीं होती। देखिए जैसे अगर हम बात करें दो माइनस चार की, देखिए बात कर दें अगर हम चार माइनस छह की, अगर हम बात कर दें पांच माइनस सात की, तो आप समझिए क्या हमें इसका आंसर एक धन पूर्णांक मिलेगा, बताइए क्या हमें इसका आंसर धन पूर्णांक मिलेगा, क्या हमें इसका आंसर धन पूर्णांक मिलेगा। तो ये क्या है, ये धन पूर्णांक के हिसाब से क्या है, अर्थभिन्न हुआ, हुआ ना, ये क्या है, ये धन पूर्णांक के हिसाब से क्या हो गया, ये अर्थभिन्न हुआ, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, इसे जो है परिभाषित करने के लिए, ध्यान से आप सुनिएगा, इसे जो है परिभाषित करने के लिए क्या किया गया, जो शून्य संख्या है शून्य और ऋण पूर्णांकों को धन पूर्णांकों के साथ समन्वित करके धन पूर्णांक का आगे और विस्तार किया गया। तो जैसे हम देखिए बात करेंगे, जैसे माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो एक दो तीन चार पांच छह इत्यादि, देखिए ये सब क्या हैं, यही तो हमारे क्या हैं, पूर्णांक हैं, यही क्या हैं, देखिए यही पूर्णांक हैं। देखिए दोस्त पूर्णांक में जो है हमारे, देखिए जो जो धनात्मक पूर्णांक हैं, देखिए ये भी जो धन पूर्णांक हैं वो भी, जो ऋण पूर्णांक हैं वो भी, और जीरो, ये तीनों शामिल होते हैं, इन्हें बोलते हैं क्या, पूर्णांक, ठीक है दोस्त। अब देखिए इसके बाद थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, आप ध्यान समझिएगा, देखिए दोस्त हम लोग थोड़ा इसे अब आगे समझ लेते हैं इसमें परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में, इसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल रेशनल नंबर्स बोलते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, ध्यान समझिएगा आप, हम बोलेंगे वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, हम बोलेंगे वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर P तथा Q दोनों पूर्णांक हों, जहां पर P तथा Q दोनों पूर्णांक हों, और देखिए जो Q है ये Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो संख्या P बटे Q के रूप में है और जहां पर P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे, और ये Q है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करते हैं एक बटे दो की, चार बटे दो की, माइनस तीन बटे चार की, एक बटे चार की, ये सबके सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम कह देंगे पांच बटा जीरो तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। एक देखिए सबसे मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, या बताइए कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, क्वेश्चन होता है बताइए क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, तो हमारा जवाब होगा कि हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जीरो को हम जीरो बटे एक लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, देखिए ये P बटे Q के रूप में हो गया, और इसकी परिभाषा है कि जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो जीरो भी क्या है एक पूर्णांक है, और Q भी क्या है एक पूर्णांक है, और ये कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे Q का मान कहाँ जीरो है, ये तो क्या है, ये तो है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। एक बात इसमें अब आप नोटिस कर लीजिएगा, देखिए ध्यान से हम यहां पे एक बात लिखेंगे
सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होते हैं। ओके, अब यहां समझिएगा क्या कह रहा है कि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होते हैं। तो आप इसे समझने के लिए आप बनाइए यहां पर एक संख्या रेखा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4, यह सबका आगे बढ़ता रहेगा। तो देखिए कह रहा है दोस्त कि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। देखिए यहां पर ये जितने लिखे हैं सबके सब क्या हैं आपके, ये सबके सब पूर्णांक हैं। देखिए अगर हम क्या करें, अगर हम इसके बटे एक लिख दें, बटे एक, देखिए सबके सब क्या बन गए, यानी कि जितने पूर्णांक हैं क्या हो गए, ये सब के सब परिमेय हो गए। ओके, आइए अब हम देख लेते हैं कि क्या जो सभी परिमेय होते हैं पूर्णांक नहीं होते हैं, अब इसकी चर्चा कर लिया जाए। देखिए यहां पर मैं कुछ बटा दो में लिख दूं, मैं अगर 4/2 लिख दूं, मैं अगर 1/3 लिख दूं, और फिर मैं 8/4 लिख दूं, 10/3 लिखता हूं। अब आप सोचिए मैंने यहां पर केवल ये कितने उदाहरण 5 लिख, तो अगर मैं इसे यह कह देता हूं कि यहां पर जितने परिमेय हैं सब के सब पूर्णांक होंगे, ये तो मैं गलत कह रहा हूं ना। तो देखिए 1/2 क्या है, देखिए ये आपका परिमेय है, बताइए आप ध्यान से क्या है, परिमेय है, लेकिन बताइए क्या ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। देखिए ये 4/2, देखिए ये आपका परिमेय है, लेकिन क्या देखिए ये देखिए आपका पूर्णांक है ना, ये पूर्णांक है। देखिए 1/3 ये क्या है, परिमेय है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। देखिए 8/4 क्या है, ये परिमेय है, और देखिए ये पूर्णांक भी है ना। लेकिन यहां पे 10/3 ये क्या है, देखिए ये आपका परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो यहां देखिए आप विभिन्न उदाहरण से आप देख पा रहे हैं कि अगर लिखा रहे कि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, ये कथन सत्य है, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होते हैं। तो दैट्स आपका ये क्लियर हो गया होगा गाइज। अब यहां से आप वीडियो को एक बार दो बार देखें अच्छे से और समझें, और जो आपको परेशानी है आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।